बर्फ से लदी इन वादियों में आप सभी का ढेर सारा स्वागत है। दोस्तों, हम आपके साथ घूमते घूमते आ चुके थे भारत की सबसे खूबसूरत जगह गुलमर्ग में। लोग स्विट्जरलैंड जाते हैं लेकिन कश्मीर नहीं आते हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है, एकदम फ्रेंडली है। स्विट्जरलैंड से कई गुना अच्छा है अपना कश्मीर। आप आइए कश्मीर में गुलमर्ग और एंजॉय करिए। आप देख सकते हैं चारों तरफ स्नो ही स्नो, जहां तक देखेंगे वहां तक बर्फ 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 बर्फ। बहुत ही मस्त लग रहा है। अभी आपको हम आगे चलेंगे, गोंडोला राइड करेंगे, जो भी करेंगे सब आपको दिखाएंगे। और इधर कुछ रेस्टोरेंट्स हैं, अभी हम खाने के लिए आए हैं, कुछ खाते हैं, उसके बाद हम लोग चलते हैं बर्फ के ऊपर। उसके बाद खूब आइए दोस्तों, साथ मिलकर एक कहानी बनाते हैं। हम और आप मिलकर पूरी दुनिया घूम कर आते हैं। दोस्तों, अगर आप लोग का प्यार और सपोर्ट बना रहा तो मैं आप लोगों के साथ पूरी दुनिया घूमना चाहूँगा। कमेंट करिए आप लोग में से कौन कौन है जो मेरे साथ घूमना पसंद करेगा। गुलमर्ग में एक्टिविटी तो ढेर सारी होती है, उसमें से हमारा भी मन था कि हम भी कुछ कर लें। हमें कुछ भी नहीं आता था, इसलिए एक भैया मिले जो स्कीइंग करवा रहे थे, तो हमने स्कीइंग ट्राई करने की कोशिश की। अगर आपका अनुभव नहीं है तो ये आपके लिए मुश्किल हो सकता है, लेकिन आप ट्राई कर सकते हैं और एंजॉय करने की कोशिश कर सकते हैं। काफ़ी देर तक ट्राई करने के बाद मैं कुछ दूरी तक खुद से चल पा रहा था। उसके बाद खूब इसका आइडिया हमें कुछ भी नहीं था। फिर वहां से हम आगे निकले ऊपर की तरफ। ऊंचाई की तरफ आगे बढ़ रहे थे क्योंकि ऊपर जाने के बाद एक चर्च था और वहां से कुछ लोग फिसलते हुए नीचे की तरफ आ रहे थे। चर्च तक हम पहुंच चुके थे दोस्तों। हमें यह जगह काफ़ी खूबसूरत लगी। आप लोगों को कैसा लगा आप लोग बताइएगा। और साथ ही साथ गुलमर्ग आप किस तरीके से आ सकते हैं, कैसे सस्ते में आकर बर्फ़ का एंजॉय कर सकते हैं, इस टॉपिक पे मैं अगला वीडियो डालूंगा और आप अच्छे से उसको देख के समझ पाएंगे कि आप सस्ते में किस तरह से कश्मीर घूम सकते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। वीडियो को लाइक करके, कमेंट करके, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए। बाय बाय, टेक केयर।